इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये इंडियन टोन यानी डस्की स्किन वालों के लिए ये सोनिसा फाउंडेशन है या नहीं है, प्लस ये वाटर प्रूफ है या नहीं है, और ये भी बताऊंगी कि आपको कैसे मेकअप करना, सब कुछ इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखने को मिल जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आप लोगों को मेरा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। मैंने फाइनली हमारा बैकग्राउंड चेंज कर दिया है क्योंकि आप सभी ने देखा था कि जो मेरी दीवार थी येलो कलर की थी, इस कलर की थी, बट बाबू ने उसे बहुत ज़्यादा प्रिंट कर रखा था तो थोड़ा सा अजीब लगता था। तो मैंने कहा चलो फाइनली अपने इस मेकअप रूम का मेकओवर कर देती हूँ, तो आज मैंने कर दिया है। ब्लॉग जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करें। आज मैं अपने फेस पे टोनिंग कर रही हूँ, वैसे तो मैं गुलाब जल लगाती हूँ बट आज मैं टोनर लगा रही हूँ जो है गुड वाइब्स का, आप देख सकते हो। तो बस इसको मैं अच्छे से ही अप्लाई कर लूंगी, मैं अच्छे से लगा लूंगी। वैसे यहाँ पे अभी मैं ले रही हूँ हनी एंड आलमंड की, जो कि फ्रूट क्रीम है जो मुझे 10 रुपीज की रिसीव हुई थी, काफी अच्छी है। बस इस तरीके से लगा लूंगी मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से ही, ये देखिए अच्छे से ही लगाना है। आज मैं अपने आई पे थोड़ा सा कंसीलर लगाऊंगी, जिसके लिए मैं ले रही हूँ NYB का कंसीलर, सेड है मेरा 2। जैसे इसके बाद मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी, कोई भी कॉम्पैक्ट से मैं नहीं सेट कर रही हूँ, आप चाहो तो सेट कर सकते हो। यहाँ पे ले रही हूँ मैं कलर बोल्ड का आई पैलेट, सबसे पहले ये ब्राउन वाला शेड पिक कर रहे हैं हल्का सा, इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छी है आप देख सकते हो। इसको आपको यहाँ पे लगाना है इस तरीके से, हल्के हल्के से यू लाना है, यू समझ लीजिए ब्रश ऐसे ऐसे आपको करना है, जैसे इंद्रधनुष वगैरह नहीं होता है समझ लीजिए उस टाइप का। तो यहाँ पे अच्छे से ही मैं इसको इस तरीके से कर रही हूँ। बस थोड़ा थोड़ा सा कलर लेके अच्छे से ही मैं लगाऊंगी दोनों ही आई पर। मैं यहाँ पे कौन सा शेड पिक करूंगी, ये थोड़ा सा ऑरेंज वाला हल्का सा जस्ट लाइटली, और इसको मैं सिर्फ आई लिड पे अपनी लगाऊंगी इस तरीके से हल्के हल्के से जस्ट लाइटली, ये देखिए इस तरीके से। बस इसी तरीके से हल्के हल्के से आईलिड पे लगा रही हूँ, जो हमारी आंखें उठी उठी सी रहती है ना उस पे हल्का सा। बस इसके बाद मैं ये व्हाइट वाला शेड पिक करूंगी, ये जो थोड़ा सा हाइलाइटर टाइप का है, ये देखिए फिंगर की हेल्प से। तो बस हल्का सा टच दूंगी और आप देखना कितना ज्यादा प्यारा आई मेकअप हो जाता है, काफी सिंपल है, आप इजिली कर सकते हो। अच्छे से अपने क्लीन कर लिया और इसके बाद मैं लगा रही हूँ लैक्मे का लाइनर, आप कोई भी लाइनर लगा सकते हो। और लैक्मे का लाइनर मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि लैक्मे का लाइनर, काजल, आईब्रो पेंसिल ये इजिली सभी के पास मिल जाती है, तो बस दोनों ही आई में अच्छे से लगा लूंगी मैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर, ढक्कन मैंने पहले ही खोल दिया, ब्लू हेवन का प्राइमर, और इतनी सी क्वांटिटी में लेके मैं पूरे फेस पे अच्छे से लगा लूंगी, अभी आप देख सकते हो। और इसको भी हम कुछ देर के लिए छोड़ेंगे हमारे स्किन में सेट होने के लिए, कुछ भी हो तो थोड़ा सा टाइम तो देना ही देना चाहिए अपनी स्किन को, है ना। सो गाइज, आज ही मुझे ये रिसीव हुआ है जो है सोनिसा फाउंडेशन, और इसकी रिक्वेस्ट आप लोगों ने इतनी ज्यादा की थी तो मुझे तो शेयर करना ही करना था कि दी इसका रिव्यू कीजिए, एक्चुअल में है कैसा, ये डस्की स्किन वालों के लिए परफेक्ट है या नहीं, कौन सा सेट डस्क, मतलब इतने ज्यादा कॉमेंट आ गए थे तो फिर मुझे ये मंगाना ही पड़ा। जस्ट मुझे आज ही रिसीव हुआ और आज मैं आप लोगों के साथ इसका लाइव डेमो दिखाऊंगी कि एक्चुअल में है कैसा। तो मैंने कहा चलो मेकअप लुक भी आप लोगों ने बोला था कि इस पे मेकअप लुक भी करके दिखाए, सारी चीजें इस वीडियो में आज आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में है और अभी मैं आपको ओपन करके, ये है इसका जिससे आप लगाओगे ब्यूटी ब्लेंडर, तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें ज्यादा शेड नहीं आते, मैं मेरे ख्याल से 2 या 3 ही शेड है, तो अभी आप देखो कुछ इस तरह का है ये, तो मुझे देखकर मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसे लगाने के लिए। चलो अभी हम इसको देखते हैं, मेरे फेस पे तो यार ये डिजाइन बना दिया है, देखो है ना डिजाइन जैसा। तो
इसको हम ब्लेंड करते हैं तो फिर डिजाइन बन रही है, ये देखिए। और ये कवरेज इसकी ठीक है, लेकिन ब्लेंड आउट करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मेरा फर्स्ट बार है, हो सकता है आप लोग ब्लेंड कर लो। आप देखो इसने जो मेरे पूरे फेस को एकदम वाइट कर दिया है, मेरे जैसे मेरी स्किन डस्की है, सांवली है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा मतलब वाइट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये डस्की स्किन वालों के लिए फाउंडेशन नहीं है, क्योंकि इसका जो कवरेज है काफ़ी अच्छा कवरेज है, बट इसका जो शेड है अभी आप देख सकते हो, मतलब मुझे खुद ही थोड़ी सी अजीब लग रहा है क्योंकि एकदम जैसे लग रहा मैंने वाइट पुट्टी लगा ली है मेरे फेस पे। तो जिनका फेयर स्किन टोन है उनके लिए काफ़ी अच्छा है, कवरेज अच्छी है और ठीक ठाक है। अभी मैं बताती चलूँगी, जैसे जैसे मैं लगाऊंगी वैसे वैसे मुझे अच्छे से समझ में आएगा। बस आपकी ये आँखों में नहीं लग पा रहा है, अगर आपने आई मेकअप नहीं किया तो हो सकता लग भी जाए, और ऐसे तो नहीं लग रहा, मेरे से तो नहीं लग रहा भाई। फिर से वरना फिर ब्रश से, तो फिर मुझे ब्रश ही यूज़ करना पड़ेगा, जब मैंने ब्रश यूज किया था और अभी फिर ब्रश। तो ये देखिए इस तरीके से मैं ब्रश से लगा रही हूँ, वैसे अगर आप शायद आई मेकअप ना करो तो इसलिए लगा सकते। अभी लाइव डेमो आपके सामने, जैसा बहुत सारे लोग अब इसी में आप समझ जाओ, बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं ना कि दी आपका हमारा फाउंडेशन की हो जाता, काला हो जाता, ग्रे दिखने लगता। अभी आप देखो मेरा फाउंडेशन कैसे दिख रहा है, क्योंकि मेरी स्किन टोन से अभी आप देखो ये कितना ज़्यादा लाइट है, मतलब जो फुल फेयर स्किन टोन जिनको आप बोल सकती हो ना, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर है उनके लिए, अब मैंने उनकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग अपने फेस पे लगा लिया तो फाउंडेशन कैसा दिख रहा, अजीब से दिख रहा ना। तो यही चीज आपके साथ होती, अब इससे ज्यादा आप क्या मैं आपको समझा सकती हूँ, है ना। तो बस इसको हम अच्छे से लगाएंगे। अभी आप देखो मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है, और आज मैंने सोचा था कि मैं इतना अच्छे से मेकअप लुक क्रिएट करूंगी तो ये मेरा मेकअप लुक क्रिएट हुआ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, पूरा फाइनल लुक दिखाऊंगी आप लोगों को, साथ ही साथ दिखाऊंगी कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं है। तो अभी आप देख सकते हो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी वाली हो गई, तो चलो कोई बात नहीं, अभी हम इसको सेट करते हैं। आप चाहो तो सेट कर सकते हो क्योंकि चिपचिपापन है थोड़ा सा, तो फिर तो सेट करना ही पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे टच कर लूँ वरना गंदा दिखेगा। यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ी सी कंटूरिंग ताकि मेरा फेस थोड़ा सा ठीक ठाक दिखे, क्योंकि इतना ज़्यादा वाइट है ना तो कंटूर करना थोड़ा सा ज़रूरी है। कि चलो कर लेती हूँ, फिंगर से ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और ये जितना डार्क दिख रहा ना इस वाइट पे, इतना डार्क नहीं है, मेरे स्किन टोन से काफ़ी अच्छे से जाता है, तो व्हाइट पे इतना लगाओगे तो फिर वो डार्क डार्क सा ही दिखेगा, है ना। सो बस कॉन्टोरिंग में फिंगर की हेल्प से कर रही हूँ, और कॉन्टोरिंग करने से थोड़ा मेकअप इसी वजह से थोड़ा और अच्छा दिखने भी लगा। ले रही हूँ NYBA का कॉम्पैक्ट और इसी से अपने पूरे फेस को सेट करूंगी। कॉम्पैक से सेट किया ना तो फिर मेरा जो फाउंडेशन था थोड़ा सा नेचुरल हो गया था, क्योंकि जो कॉम्पैक का शेड है ना मेरे अकॉर्डिंग है, फेस के अकॉर्डिंग है, इसी वजह से तो थोड़ा सा डार्क हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा जो लाइट था थोड़ा सा डार्क हो गया है। का काजल, तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं काजल लगा ले रही हूँ, ये देखिए दोनों ही आई में, जो है लैक्मे ब्रांड का। और इसके बाद मैं ले रही हूँ एक आईब्रो पेंसिल, हमेशा की तरह लोकल मार्केट की है ये 30 रुपीज़ की, तो इससे ही दोनों ही आईब्रो को मैं फिल कर लूँगी। लगा लेते हैं थोड़ा सा ब्लशर, जिसके लिए मैं ले रही हूँ SQ का ब्लशर। तो बस ब्लशर मैं लगा रही हूँ फिंगर की हेल्प से, दोनों ही साइड लगा लूँगी अच्छे से। और इसके बाद लगाऊंगी थोड़ा सा हाईलाइटर जो है मेबेलिन का। सो बस हाईलाइटर भी लगा रही हूँ, हाईलाइटर वगैरह ब्लशर वगैरह लगने से थोड़ा फेस का सेफ और थोड़ा सा कलर भी ठीक ठाक हो गया था। ले रही हूँ मैं स्यूज ब्यूटी की लिपस्टिक और शेड है मेरा 7। सो ये जो लिपस्टिक है मैंने फर्स्ट बार ट्राई की है और एकदम मक्खन जैसे फिसल रही थी, तो काफ़ी अच्छी है और थोड़ी देर के बाद ड्राई भी हो गई थी, लेकिन लगाते समय एकदम मक्खन जैसी थी, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आई ये लिपस्टिक। सो अभी आप देख सकते हो, तो थोड़ा सा छोड़ो हेयर वगैरह मैं अच्छे से कर लेती हूँ, फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो गाइज अभी आप मेरा मेकअप तो देख ही सकते हैं, अच्छा है, लेकिन हमारी इंडियन टोन स्किन टोन से बिल्कुल नहीं जाएगा, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैंने इसे बहुत कवर अप किया है तब जाके कुछ ही ऐसा मेकअप लुक आया है। और
अभी करोगे तो हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि व्हाइट जो चूना होता है ना, जिसे हम फाउंडेशन लगाते हैं, तो वो चीज अलग होती है। जो ये चूना टाइप का है, उस टाइप का हमारे फेस पे ये दिख रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा व्हाइट चीजें लगाना पसंद करते हो तो आप लगा सकते हो, उतना बेकार भी नहीं है, मैं बेकार भी नहीं कहूंगी, अच्छा है। बट क्या है, हमारे स्किन टोन से अच्छे से नहीं जाएगा, तो मैं बार बार देख कर बोल रही थी क्या कैसा है। जैसे मैंने फुल मेकअप कर लिया है, ब्लशर लगा लिया, कॉन्टोरिंग कर ली, जिससे मेरा फेस जो एकदम राउंड से का हो गया था ना, क्योंकि हम अपने स्किन टोन से बहुत ज्यादा लाइट लगाते तो ऐसा वाला हो जाता है। तो आई मेकअप भी है, लाइनर है, काजल है, सब कुछ है, तो अभी ठीक है। बस ये लग रहा है ना मेकअप की वजह से जो मेरा ये अच्छा लग रहा देखने में। अभी आप बोलोगे तो खुद की तारीफ कर रही हूँ, खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ। जब कोई भी चीज होती है ना, कि अभी जब आप ड्रेस पहनो, नई नई ड्रेस लाओ, आप उसे ऐसे पहनो तो उतना अच्छा खिलके नहीं आता, लेकिन जब आप उस पर मेकअप कर लो ना, तो फिर वो कहते नहीं सोने पर सुहागा, बस वही वाला है। तो मेकअप की वजह से ये ठीक लग रहा है, लेकिन ये चीज बोलूंगी कि व्हाइट ज्यादा लग रहा है। मतलब सब कुछ ठीक है, लेकिन व्हाइट ही ज्यादा है। तो मैं आपको डस्की स्किन वाले को रिकमेंड नहीं करूंगी, अगर वो लेना चाहते तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सकता है किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो जाए। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रीति मेकअप ऑफिशियल। सो चलो मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, उससे पहले इसका लाइव वाटर प्रूफ डेमो दिखा दो कि ये एक्चुअल में वाटर प्रूफ है या नहीं है। तो चलो आप लाइव डेमो का देख लो कि ये एक्चुअल में है। वो बस यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ ताकि मैं पता कर सकूँ कि ये मतलब वाटर प्रूफ है या नहीं। और जहाँ पे मैंने ब्लशर, हाइलाइटर और कॉन्टोर किया, वहाँ पे फेस अलग दिख रहा है, और आई की जगह माउथ के पास और फोरहेड यानी माथे के पास देखिए एकदम वाइट है, लेकिन एकदम वाइट से जब मैंने स्टार्टिंग में लगाया था उससे थोड़ा सा कम है। क्यों? क्योंकि मैंने कॉम्पैक्ट लगाया, मेरे स्किन के अकॉर्डिंग है, तो इसने वाइट को थोड़ा सा नेचुरल किया, इस वजह से थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी ये सुनीसा फाउंडेशन, किस लिए? वाटर प्रूफ के लिए। तो 100 में से मैं 100 दूंगी, 10 में से 10 दूंगी, वाटर प्रूफ है ये, फुल वाटर प्रूफ। मतलब मक्खन जैसे पानी निकल रहा था, जब भी आप पानी डालो तो एकदम फिसल रहा था और फाउंडेशन जरा भी नहीं निकला। तो इसके लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, बट इंडियन टोन स्किन के लिए नहीं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वाइट है। सो चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए।